हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और इसके एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना, मार्केट रिस्की है तो उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो है बिटकॉइन के लॉसेस के बारे में। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिटकॉइन जो इतना गिर रहा है, इसके चलते जो नंबर ऑफ एड्रेसेस है जिनके पास बिटकॉइन है और वो लॉस में है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एट प्रेजेंट अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। दैट मीन्स कि अगर जुलाई के फिगर्स की बात करें तो ऐसे जो नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं जिनके पास यहाँ पर की लॉस जो है वो उनके बिटकॉइन के अमाउंट में दिख रहा है। अगर किसी के पास 0.01 भी बिटकॉइन है तो उनका लॉस यहाँ पर बढ़ रहा है, और जो कि उनकी बाइंग प्राइस से नीचे एट प्रेजेंट अभी जा चुका है। तो यहाँ पर ये काउंट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन ये ट्रेंड को रिवर्स नहीं करता और ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो ये अमाउंट जो है वो बढ़ते ही जाएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो इसराइल के जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने अपनी जो आईसीसी, उनकी जो इसराइल क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो फ्रेमवर्क जो है उसको लेकर आने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी नए दरवाजे जो है वो खुल सकते हैं क्रिप्टो के बारे में, या ये कहें कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के लिए नए यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो खुल सकते हैं। वो क्रिप्टो को यहाँ पर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ले रहे हैं, उसके साथ साथ वो डीफाई के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन स्पेस के ऊपर भी उन्होंने अपना फ्रेमवर्क जो है उसको लाने की बात करी है यहाँ पर। अगली न्यूज, इथीरियम की जो एवरेज गैस फीस है वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है। $1.57 पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर अभी गैस फीस जो है वो लग रही है, जो कि लोएस्ट है सिंस 2020 दिसंबर। तो दिसंबर 2020 के बाद यहाँ पर ये सबसे लोएस्ट गैस फीस जो है वो देखने को मिल रही है इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर। अगली न्यूज, यहाँ पर रिपल के जो को फाउंडर हैं, या ये कहें कि सॉरी को फाउंडर नहीं, उनके जो पुराने एग्जेक्टिव हैं और उनका जो जेड मैकेलब, उनके पास काफी सारे एक्सआरपी जो थे वो पड़े हुए थे। 2014 के बाद उन्होंने अपने एक्सआरपी जो थे वो सेल करने की जो एक चेन थी वो बनाई थी, और जिसके चलते कहा जा रहा था कि उनके जो एक्सआरपी होल्ड्स उनके पास हैं वो 2021 में खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो स्टिल अभी भी उनके पास 81 मिलियन एक्सआरपी जो है वो पड़े हैं, जिनकी वर्थ एट प्रेजेंट अगर देखी जाए तो $26 मिलियन के करीब करीब बनती है। और कहा जा रहा है कि वो हो सकता है इस साल पूरी खाली हो जाए, क्योंकि वो सेल आउट कर रहे हैं एक्सआरपी को अपने, उनके पास जितनी भी होल्डिंग है एक्सआरपी की वो सेल आउट कर रहे हैं। इसके चलते एक्सआरपी थोड़ा स्टैंड भी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि बढ़िया से गेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है ऐसे बंदे के पास से जो बहुत बड़ा स्टैक जो है वो रखता है एक्सआरपी का। अगली न्यूज, यहाँ पर कुवैत बेस्ड एक इस्लामिक बैंक है वारबा बैंक, तो वो मेटावर्स में जा चुके हैं, तो उन्होंने अपनी मेटावर्स में प्रेजेंस जो है वो रिकॉग्नाइज करवा दी है। उनके पास अब डिसेंटरलैंड और सैंडबॉक्स दोनों में ही उन्होंने अपनी जो लैंड है वो अक्वायर कर ली, और अपनी प्रेजेंस जो है वो दोनों ही मेटावर्स के अंदर यहाँ पर दिखा दी है। तो अब बेनिफिट जो है, ऐसे में हम लगातार आपसे जो न्यूज कवर करते आ रहे हैं उसमें यही बात हो रही है कि मेटावर्स के ऊपर आने वाले टाइम पर काफी कुछ होने वाला है, जिसके चलते मेटावर्स के जो कॉइन्स हैं उनको काफी बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में मिलने वाला है। टैक्स एजेंसीज जो रोमानिया की हैं वो अब लोगों के क्रिप्टो ट्रेडर्स के जो अकाउंट्स हैं उनको चेकिंग जो है उसकी स्टार्ट करने वाली हैं, और उन्होंने इनफेक्ट कर भी दी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली 50 मिलियन यूरो की जो अमाउंट है इतना टैक्स उनके पास आना चाहिए था जो उनके पास नहीं आया है। और उन्होंने ये जो फाइंडिंग्स करी हैं तो उनके अकॉर्डिंगली लोगों ने अपने क्रिप्टो से जो उनको एक तरीके से प्रॉफिट्स हुए हैं वो उन्होंने डिटेल डाउन नहीं किए हैं वाइल फिलिंग देयर टैक्स फाइलिंग्स। तो ये एक मिसमैच जो हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अब रोमेनियन जो गवर्नमेंट है, जो टैक्स एजेंसी है रोमेनिया की, वो अब लोगों के ट्रेडिंग के जो अकाउंट्स हैं उनको खंगाल रही है और देख रही है कि किसने अपने टैक्स जो सॉरी जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने दिखाए नहीं है और टैक्स प्रॉपरली पे नहीं किया है। अगली न्यूज की बात करें तो हुयोबी जो है वो भी अब ले ऑफ करना स्टार्ट करने वाली है, और कहा जा रहा है हो सकता है पॉसिबली वो 30% स्टाफ अपना जो है उसको ले ऑफ कर दे। और उसी के साथ एक और जो बड़ी न्यूज है यहाँ पर वो ये भी है कि हुयोबी के जो फाउंडर हैं वो देख रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत जो एक काफी बड़ी एक अमाउंट, या ये कहें कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है स्टेक की, वो भी सेल करने की बात वो सोच रहे हैं, सो दैट कि उनके पास लिक्विडेशन आ जाए ऐसे टफ सिचुएशन में। अगली न्यूज की बात करें तो कॉइनबेस की हमने न्यूज आपसे कवर करी थी कि न्यूज यहाँ पर आ रही थी कि वो जियो लोकेशन जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं लोगों का।
अब उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन यहाँ पर कॉइनबेस ने दिया है, तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी प्रॉपराइटरी इंफॉर्मेशन है लोकेशन बेस्ड वो शेयर नहीं की जा रही है, बिल्कुल बेसिक जो इंफॉर्मेशन है लोगों की लोकेशन की वो ही शेयर की जा रही है, सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं की जा रही है, तो प्राइवेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं लागू होता है। अब यहाँ पर आज के हफ्ते के 5 ऐसे कॉइन जो और जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है वो लेना है, तो सबसे पहले है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन आप देख ही रहे होंगे अभी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, 19,500 के आसपास यहाँ पर चल रही है मार्केट वैल्यू जो है, तो वो 20,000 की तरफ जाती हुई यहाँ पर दिख रही है। शिप थोड़ा सा इंप्रूव किया है हाल फिलहाल वाले दिनों में, हमने आपसे न्यूज में भी कवर किया था, तो इसी चक्कर में यहाँ पर शिप को जो है वो इस हफ्ते के 5 कॉइन्स में रखा गया है। अगला है मैटिक। तो मैटिक काफी देर से यहाँ पर अपनी एक स्टेबिलिटी जो है वो बनाए हुए था, अक्यूमुलेशन कर रहा था, तो अब एक मौका हो सकता है कि जिसके चलते वो यहां से ऊपर की उछाल जो है वो ले ले। और सेम ही सिनेरियो यहां पर एटम का भी, एटम भी काफी देर से नीचे जो था वो चल रहा है, लेकिन अब यहां पर बुल्स जो हैं वो उसको ऊपर उठाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तो जैसे ही वो बुल्स कामयाब हो जाते हैं तो एटम जो है वो भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और एप एक नया कॉइन है जिसके चलते अभी उसकी हाइप जो है वो कंटिन्यूअसली बनी हुई है, और हाल फिलहाल के टाइम पर वो भी यहाँ पर एक बढ़िया गेन लेते हुए देखने को मिल सकता है, तो इस वजह से एप को भी यहाँ पर हमने टॉप 5 के कॉइन जो है इस वीक के लिए वहां पे रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, और साथ के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे हमें भी थोड़ी सी एक उम्मीद या ये कहे कि हिम्मत जो है वो मिलती है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।